नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निधिवेश और आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। केंद्र सरकार की ओर से लागू की गई अग्निपथ योजना के खिलाफ युवाओं में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। अग्निपथ योजना के तहत अब सेना में युवाओं को नौकरी के लिए केवल 4 साल का समय मिलेगा। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा सेना में लागू किए गए इस स्कीम का सेना में भर्ती होने का सपना देख रहे युवाओं ने विरोध करना शुरू कर दिया है। कई राज्यों में इस योजना का विरोध हो रहा है, तो वहीं अब इस स्कीम का विरोध उत्तराखंड में भी देखने को मिला। हल्द्वानी में भारी संख्या में युवा इस स्कीम के विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं। शुक्रवार को सुबह से ही भारी संख्या में युवा हल्द्वानी के रामलीला मैदान में इकट्ठा होकर सड़कों पर जैसे ही अपने जुलूस को लेकर पहुंचे, इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया और प्रदर्शनकारी वहां से भाग खड़े हुए। काफी देर तक पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच ये नोकझोंक चलती रही। आपको बता दें कि युवा इस स्कीम को बंद करने की मांग कर रहे हैं। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने तिकोनिया चौराहे पर जाम भी लगा दिया। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह पुलिस प्रशासन प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर लाठी चार्ज कर रहा है और उन्हें खदेड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो हमारी टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है। थोड़ी ही देर में हम आपको ग्राउंड जीरो से अपनी रिपोर्ट दिखाएंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जेजेएन न्यूज।